नहीं है। व्यवसाय से आगे और ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए अपनी अपना छविकरण है, अपना कैनेनाइजेशन है, अपनी आइडेंटिटी की बात है, अपनी अस्मिता की बात है, उन सारी चीजों को इन लोगों ने प्रमुखता दी और उसी को लेकर उन्होंने काम किया। तो निश्चित तौर पे इनके काम करने और बॉलीवुड के काम करने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। नेक्स्ट, तो इन तीन चार चीजों पे बात होगी। धारणा हम लोगों ने समझ लिया। प्रोडक्शन को लेके जैसे आप समझ ही गए होंगे कि अपने समुदाय और परिसर से जुड़ी समस्याओं को अपनी भाषा और समाज के सहयोग से फिर जीवंत करना एक बड़ा ही अनोखा फिल्म निर्माण का तरीका है जो मालेगांव सिनेमा में दिखाई पड़ता है। यहाँ सिनेमा वास्तविक समस्याओं पर केंद्रित स्व प्रतिबिंबन की काल्पनिकता पूर्ण सिनेमाई अभिव्यक्ति है, जहां मौलिकता विचारों और शैली में होने के बावजूद बनावट और स्वरूप का ढांचा दूसरे या कहीं और से लिया हुआ है। अन्य फिल्मों के वैचारिक प्रतिबिंबन से निर्मित विचारधारा को अपनी शैली में प्रस्तुत करने की यह पूरी कलात्मक यात्रा पैरोडी, डबिंग इत्यादि के खांचे में फिट नहीं है। इनके लिए नए मापदंड और साँचों को गढ़ना जरूरी है। सामुदायिक सहयोग और स्थानीयता की उत्सवधर्मिता को ऐसी फिल्मों का मूल आधार मानकर हमें आगे बढ़ना होगा। सरकार या कॉरपोरेट घराने जिन फिल्मों को आर्थिक रूप से संयोजित करते हैं, वे उनके निर्माण प्रक्रिया एवं विषय को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। लेकिन जहां इनकी पूंजी का दबाव नहीं है, अर्थात जहां व्यक्तिगत संसाधनों से पूंजी की व्यवस्था की जा रही है, वहां यह सरकारी दबाव काम नहीं करता। इस तरह से स्मॉल सिनेमा या लोकल सिनेमा सरकारी और पूंजीवादी इन दोनों शिकंजों से अपने आप को मुक्त रखने में सफल हो पाता है। प्रोडक्शन उत्पादन, जैसे मैंने कहा कि कमोडिटी से आगे स्थानीय भाषा, कलाकार, पूंजी और जुगाड़ तकनीक के माध्यम से स्थानीय समस्याओं का चित्रण यहाँ प्रमुख है। कम से कम लागत और अधिकतम लाभ, जैसे मैंने जिक्र किया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग फॉर अ प्रोडक्ट की जो थियरी थी, टेक्नोलॉजी ने कहीं उसको चुनौती दी या उसको फिर से रिट्यून करने की बात की। इन फिल्मों ने विवादास्पद मुद्दों से दूरी बनाई क्योंकि बहुत छोटे परिसर में ये काम कर रहे हैं। और डिटैचमेंट ऑफ प्लेजर बाय नैरेटिव्स, मतलब अश्लीलता से दूरी। आज भी यहाँ की फिल्में जब बन रही हैं तो नायक नायिका की चुंबन को दिखाने से बेहतर वो दिखा देंगे वही 70s 80s वाला की दो फूल जो है आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो